देखिए, आज हम लोग कंटेनमेंट जोन का भ्रमण कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने किया था, तो कंटेनमेंट जोन के भ्रमण के क्रम में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल है उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोगों से फिर अभी हम लोग लगातार ये कर रहे हैं कि लोग घरों में ही रहें, जहाँ केसेस मिल रहे हैं वहाँ लोग अपनी टेस्टिंग भी कराएँ, और जो काफ़ी संख्या में भागलपुर शहर में खास करके हम लोगों को कोरोना के मरीज़ पिछले कई दिनों में मिले हैं, सारी एहतियात बरती जा रही है। और जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है या सिम्टम नज़र आ रहा है, वो इमीडिएटली जो हम लोगों का अस्पताल है, सदर अस्पताल में हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, हम लोगों के मायागंज अस्पताल में व्यवस्था है, वहाँ जा कर के इमीडिएटली भर्ती कर रखी है। टोटल पूरे ज़िले में 107, कल की जो रिपोर्ट है 107 कंटेनमेंट जोन है। सर, एक बार अपील कर दिया जाए कि जैसे कि सदर अस्पताल में भीड़ हो रही है जांच कराने का। देखिए, जांच कराने के बारे में बार बार हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सदर अस्पताल में ही लोग जांच कराने नहीं जाएं, इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था है, बस स्टैंड पर व्यवस्था है, 8 मोबाइल टीम घूम रही है, शहर के बगल में नाथनगर और सबौर का CSC PSC वहाँ व्यवस्था है, जो अर्बन PSC है शहर में, 4 से ज़्यादा स्थानों पर वहाँ जांच की व्यवस्था की गई है। तो नज़दीकी जो भी केंद्र है वहाँ जा करके लोग जांच करा सकते हैं, सदर अस्पताल में अनावश्यक भीड़ न लगे। ग्रामीण में भी सभी जितने भी PSC CSC हैं सब जगह जाँच हो रही है।